2019 में MG मोटर्स ने इंडिया में एंट्री करी थी। उनकी पहली मॉडल थी हेक्टर, हेक्टर के बाद आई ZS EV, उसके बाद आई हाल ही में MG की ग्लॉस्टर फुल साइज SUV। 2021 में कदम रख रही है MG मोटर्स अपने अपडेटेड 2021 हेक्टर के साथ। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको सब कुछ ऑन द अपडेटेड 2021 MG हेक्टर। तो आइए जानते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस हैं ऑन द 2021 MG हेक्टर। इसके पहले आपको याद दिला दें कि आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है टू यू नो गेट ऑल द एक्साइटिंग रिव्यूज, ऑटो रिव्यूज, न्यूज एंड ऑल आर एक्साइटिंग वीडियोस। स्टार्ट करते हैं इसके फेस से। ये MG हेक्टर एक स्मार्ट लुकिंग, एक मैचो मस्कुलर SUV है। एंड इसका जो बेसिक सिलोट है, इसका जो बेसिक डिज़ाइन है, स्टाइलिंग है, वो बरकरार है। चेंजेस है इसके फ्रंट ग्रिल में। MG इसको बताता है थर्मो प्रेस्ड क्रोम ग्रिल, लेकिन हमारे लिए ये डायमंड थ्रेड ग्रिल है। इसमें क्रोम एलिमेंट्स हैं, इसमें ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स हैं, मैश वाला फिनिश है। MG का जो लोगो है वो काफ़ी बोल्ड है, इट हैज ऑलवेज बीन बोल्ड, वो है बरकरार। क्रोम के इसके साइड लाइनिंग्स हैं इसको एनहांस करने के लिए। अगर और चेंजेस की बात करें तो ग्रिल, जो इसका फ्रंट बॉनेट है, ग्रिल के अलावा कोई चेंजेस नहीं है फ्रंट फेस में। लेकिन ये ग्रिल काफ़ी एक अच्छा उठाव सा देता है इसके फेस को, इसके फ्रंट लुक को, इसके अपील को। LED के जो DRL के जो DRLs है स्लिम वाले, ये मतलब जब ये गाड़ी आई थी, दीज वर लाइक द फर्स्ट DRLs, द स्लिम स्टाइल DRLs इन एन SUV। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, क्रोम एलिमेंट्स बरकरार है। साइड प्रोफाइल की बात करें, चेंजेस ऑन द साइड की बात करें, तो MG मोटर्स के जो बायर्स थे या उनके फैंस थे, उन्होंने काफ़ी फीडबैक दिया था कि इसके टायर्स छोटे थे। एंड अभी ये अपडेटेड टायर्स हैं, 18 इंचज है ये। यू ऑल्सो कैट दिस न्यू डिज़ाइन अलॉय व्हील्स, टायर का साइज बड़ा कर दिया है। एज अ रिजल्ट जो फेंडर्स हैं, जो व्हील आर्चेज है, उसके और टायर के बीच में गैप कम है। अभी पहले इट वॉज 17 इंचज टायर्स, तो जो गैप था व्हील आर्चेज में वो काफ़ी ज़्यादा था, अब ये काफ़ी भरा हुआ लग रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विंग मिरर्स में अभी ब्लैक हाउसिंग आ गया है, ये ग्लॉसी ब्लैक हाउसिंग है, और इसका रूफ भी ब्लैक हो गया है। एंड यू गेट दिस ड्यूअल टोन फिनिश, ये पिलर से स्टार्ट होके पूरा रूफ कवर करके टेल गेट, ये ब्लैक जो थीम है वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल सेम है, यू गेट दिस साइड इंसर्ट, साइड गार्निश, क्रोम के इंसर्ट्स हैं, क्रोम यहाँ पे भी है, लॉट ऑफ क्रोम, लॉट ऑफ ब्लिंग फैक्टर, काफ़ी मसाला भरा हुआ है MG हेक्टर में। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं, चेंजेस फाइंड आउट करते हैं रेयर प्रोफाइल में। इसका जो रेयर प्रोफाइल है, जो रेयर स्टाइलिंग है, वो बरकरार है। LED से लदा हुआ जो इसका टेल लैम्प है वो बरकरार है। इसमें क्या चेंजेस है, वो है कि जो यहाँ पे कनेक्टिंग वाला जो रिफ्लेक्टर था फ्रॉम द लेफ्ट टेल लैम्प टू द राइट टेल लैम्प, यहाँ पे एक रेड सा एक कनेक्टर था, वो नहीं है अभी। इसके जगह पर आपको एक ग्लॉसी ब्लैक, एक पियानो ब्लैक वाला फिनिश, इंक्लूडेड विद क्रोम इंसर्ट, ये आपको एक मतलब स्ट्रिप मिल जाता है। अब इसका नतीजा ये है कि जो टेल लैम्प्स है वो सेपरेटेड है, इट गिव्स यू अ मोर रगेड, मोर टफ लुक फ्रॉम द रेयर एंड। एक्सटीरियर्स के चेंजेस के बाद में अब जानते हैं इसके इंटीरियर्स में क्या चेंज हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो अपोस्ट्री है, इसका जो लेदर का, जो फॉल लेदर का, जो इंटीरियर्स का जो फिनिश है, वो अपडेट किया हुआ है इनटू शैम्पेन वाइट। कंपनी इसको शैम्पेन वाइट कहता है, हम इसे ऑफ वाइट कहते हैं। इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड वेरी प्लीजिंग फील। अगर आप देखें तो क्रैश पैड पे भी ये जो है अपोस्ट्री का जो लेदर है उसको चढ़ाया हुआ है, प्लास्टिक्स में भी ये ऐड किया हुआ है। ड्यूअल टोन डैशबोर्ड है। ओनली देखना है कि इंडियन कंडीशंस में ये जो वाइटनेस है ये बरकरार रहता है कि नहीं, बट देन ओवरऑल ये जो फिनिश है इंटीरियर में वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी प्रोग्रेसिव एक फील आता है इसके कैबिन में। दूसरा अपडेट है ये ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर,
इसमें इसमें स्विच नहीं है ऑन ऑफ का, लेकिन ये अपना काम करेगा जब यू नो व्हेन देयर इज अ लाइट फ्लैशिंग ऑन इट, ये अपने आप डिम होता है। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर के अलावा इसमें हेक्टर में आपको अभी मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस चार्जर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी हॉट है अभी, सारे एसयूवीज में, स्मॉल कार्स में और यू नो ऑल द कार मॉडल्स में ये आ रहा है। हुंडई, किया, एमजी वालों ने भी इसका नोट किया है और हेक्टर में ये अपडेट में इसको ऐड किया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमजी इंडिया की पहली गाड़ी थी, वन ऑफ द फर्स्ट कार्स टू गेट कनेक्टेड कार फीचर्स। इसमें काफ़ी सारे वॉइस कमांड्स हैं इंटीग्रेटेड, और अभी विद दिस अपडेट एमजी वो वॉइस कमांड को इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में इसको अपडेट कर रहा है। यू कैन यूज़, जैसे कि आप इंग्लिश आप जो बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन हिंदी, इसको मिक्स करके यू कैन गिव दोज कमांड्स और ये आपके मतलब वॉइस कमांड में कन्वर्ट होके गाड़ी उसको फॉलो करेगी। लेट्स फाइंड आउट कि वो कमांड्स क्या है और कैसे काम करते हैं। हेलो एम जी, मुझे ठंड लग रही है। Okay, temperature is raised to 18 degrees. Hello, MG. I'm listening. Sunroof kholo. ये जो फीचर्स हैं ये दिलचस्प हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको यू नो इन द नीड ऑफ आवर आपको जब हेल्प चाहिए वो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि अब हम ट्राई करेंगे। हेलो एमजी, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? हॉस्पिटल ढूंढो। आई फाउंड मोर देन वन हॉस्पिटल, व्हिच वन वुड यू लाइक टू पिक? तो ये आपको जो आपके करीब के हॉस्पिटल हैं वो भी आपको मतलब ढूंढ के बताएगा एंड वहाँ पे आपको नेविगेट भी करेगा। ओके, गेटिंग डायरेक्शंस टू किंग जॉर्ज मेमोरियल हॉस्पिटल। तो ये जो सिस्टम है आपके इंग्लिश कमांड से आपको करीबी हॉस्पिटल तक भी ले जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि AM चलाओ, FM चलाओ, अगला रेडियो स्टेशन चलाओ, पिछला रेडियो स्टेशन चलाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करो, नेविगेशन चलाओ, रेस्टोरेंट ढूंढो, घर चलो, ऑफिस चलो, काम पर चलो, म्यूजिक चलाओ, वगैरह वगैरह। देर आर लॉट मेनी फीचर्स, अराउंड 31 फीचर्स हैं ये जो इंग्लिश कमांड से चलते हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये यू नो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, और आई एम श्योर कि इंडिया में, भारत में, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले काफ़ी सारे लोग हैं एंड ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते एंड दिस इज़ द राइट फुट फॉरवर्ड फॉर इंडिया। ₹2021 की जो हेक्टर है, जैसे कि आपने देखा, चेंजेस काफ़ी सटल हैं लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये जो कस्टमर्स का जो फीडबैक है, जो कस्टमर्स के डिमांड है, जो अपना जो मार्केट है वो जो मतलब डिमांड करता है उसको मुद्दे नज़र रखकर उन्होंने चेंजेस किया है। एमजी हेक्टर कॉम्पीट करती है एक काफ़ी स्ट्रांगली कॉम्पिटेटेड सेगमेंट में। इसके कॉम्पिटिशन है हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, महिंद्रा की XUV 500 भी आने वाली है अपडेटेड वर्जन, जीप की कंपस भी दो दिन में लॉन्च होने वाली है जो है 2021 का मॉडल। तो हेक्टर अभी यू नो विद दिस चेंजेस इन टाइम आ चुका है, इट हैज़ गॉन अहेड। एमजी काफ़ी सीरियस है विद आवर मार्केट। इन्होंने इन टाइम नहीं, इन्होंने टाइम से पहले ही अपडेट कर दिया है हेक्टर को। दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ये दिखाता है कि एमजी कितना सीरियस है अबाउट आवर मार्केट एंड हेक्टर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इन दिस सेगमेंट।